नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। शिवपाल यादव ने बताया 2024 में बीजेपी को हराने का प्लान। अयोध्या पहुंचे शिवपाल ने केशव प्रसाद मौर्य पर जमकर बरसे। कानपुर के करौली बाबा की बड़ी मुश्किलें, झारखंड में इलाज कराने आए परिवार ने लगाया आरोप। चंदौली दौरे पर पहुंचे मत्स्य मंत्री संजय निषाद, कहा रामचरितमानस नहीं पढ़ाए तो क्या कुरान और बाइबल पढ़वाएं। हाथ जोड़ो यात्रा के लिए अमरोहा पहुंचे सचिन चौधरी। सचिन चौधरी ने दिया विवादित बयान, कहा बीजेपी एक समुदाय को टारगेट कर रही है। अमरोहा में चकबंदी विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, 250 किसान परिवार घर से बेघर होने पर मजबूर। पश्चिम बंगाल में हुए समाजवादी पार्टी के अधिवेशन में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर गहन मंत्रणा हुई। इस दौरान यह तय हुआ कि जिस प्रदेश में जो मजबूत है वो बीजेपी को मजबूती से रोकेगा और अन्य सहयोगी दल उसकी मदद करेंगे। इसका खुलासा शिवपाल यादव ने अयोध्या में किया। उन्होंने ये दावा भी किया कि सपा संगठन को मजबूत कर 2024 में बीजेपी को रोकेगी और जब यूपी में बीजेपी हारेगी तो सरकार बनाने लायक नहीं रहेगी, फिर सब मिलकर सरकार बना लेंगे। इसी के साथ शिवपाल यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बड़बोला नेता बताया और ब्रजेश पाठक को छापामार नेता बताते हुए जमकर हमला बोला। कोई संकट नहीं है, यही तो परेशानी है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को यही तो परेशानी है। हम लोग तो अपना संगठन मजबूत करके निश्चित, देखिए दक्षिण भारत में तो सब जगह ही, अब केवल हम लोगों को उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को, और हम लोगों ने तय कर लिया है। अभी बंगाल में जो कोलकाता में मीटिंग हुई है, हम लोगों ने तय कर लिया है उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को अगली बार अपने संगठन के बल पर भारतीय जनता पार्टी को यहां से हराएंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर का करौली बाबा एक और नए विवाद में फंस गए हैं। कानपुर के विदनू में करौली आश्रम में हवन कराने के लिए झारखंड से आए बाप बेटे गायब हो गए। 1.5 लाख रुपए लेकर हवन कराया गया, लेकिन इसके अगले दिन बेटा गायब हुआ और एक दिन बाद पिता भी आश्रम से लापता हो गए। बेटे कई दिन बाद आश्रम से दूर एक जगह पर मिला। पिता की 2 महीने बाद भी कोई भी खोज खबर नहीं है। परिवार ने आश्रम के खिलाफ शिकायत दर्ज की, लेकिन कानपुर पुलिस मामला दबाकर बैठी रही। अब आश्रम के विवादों में फंसने पर कानपुर पुलिस ने इस मामले में भी जांच शुरू कर दी है। मामले में कानपुर ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। कई लोग जो वीडियो फुटेज में दिख रहे हैं, हम उनके बयान भी ले रहे हैं, तो ये जो हमारी विवेचना की कार्यवाही है वो करके हम न्यायालय को 10-12 दिन में 15 दिन में जितना जल्दी हो सके हम सौंप देंगे और न्यायालय उस पर विचार करेगा सही गलत क्या है। देखिए, हमारे पास जो सूचना अलग अलग माध्यमों से मिली है उसमें ये बताया जा रहा है कि 1992 से 1995 के बीच में कुछ मामले इनके खिलाफ हैं, हालांकि अभी हम उसका डिटेल कलेक्ट कर रहे हैं। मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद बुधवार को चंदौली दौरे पर पहुंचे। चंदौली पहुंचे संजय निषाद का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मत्स्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश की पहली अल्ट्रा मॉडल फिश मंडी का निरीक्षण भी किया। फिश मंडी का निरीक्षण कर उन्होंने कार्यदायी संस्था के अफसरों और सहायक निदेशक मत्स्य राम अवध से निर्माण कार्यों की जानकारी भी ली। चंदौली दौरे पर पहुंचे मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने सपा बसपा पर जमकर निशाना साधा। जातीय जनगणना को लेकर कही बड़ी बात उन्होंने। ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि 5 साल सत्ता में रहकर मलाई चाटने वाले स्वामी प्रसाद इन दिनों रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं। प्रदेश की सरकार सरकारी खर्चे पर रामचरितमानस नहीं तो क्या कुरान और बाइबल पढ़वाएगी। मलाई खाने क्यों आ गए थे स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल? आज के दिन में हम रामचरितमानस नहीं पढ़वाएं तो क्या हम कुरान पढ़वाएंगे, क्या हम बाइबल पढ़वाएंगे? भारत की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति को पढ़ाने जा रहे हैं। रामचरितमानस उस समय लिखा गया था जब मुगलों का बहुत आक्रमण था, उसमें उसका जवाब रामचरितमानस का बड़े ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ दे रखा सदन में, और विपक्ष और पक्ष के दोनों बुंदेलखंड के लोगों ने कहा कि भाई ये भाई ताड़न का मतलब क्या होता है। जिस पार्टी में उसके विधायक भी समर्थन किए थे विधानसभा में, तो जिस पार्टी के विधायक देखिए
खबर अमरोहा से है, जहां कांग्रेस पार्टी की हाथ जोड़ो यात्रा में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में पुलिस एक समुदाय को लड़ाकर अभियान में टारगेट कर रही है। सचिन ने कहा कि आज मैं माता रानी की पूजा करके आया हूँ और इन्होंने जो देश में हिंदू मुस्लिम कर रखा है उसको मिटाने के लिए पूजा करने आया हूँ। आगे क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। देखिए, अगर किसी के बीच मोहब्बत है तो बीजेपी को वहाँ से बेचैनी है। इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम के बीच मोहब्बत थी, जमुना तहजीब का देश माना जाता है, गंगा जमुनी तहजीब का देश है हमारा। अगर ये मोहब्बत दिखेगी तो किसी को भी जुदा कर देंगे, भाई को भाई से लड़ा देंगे, कटवा देंगे, दंगे करा देंगे, मरवा देंगे, सत्ता चाहिए इन्हें। देखिए, राजनीति में मुकदमे गहने होते हैं और जो भी संघर्ष करेगी आवाज़ इस देश में आज उसे मुकदमे तो होंगे। यदि राहुल गांधी जी भी बाकी नेताओं की तरह, चाहे वो मायावती जी हैं, अखिलेश यादव जी, इनकी तरह घर बैठ जाते, सड़क पर संघर्ष ना करते, तो उन पर एक भी मुकदमा नहीं होता। पर राहुल जी को पता है कि देश के लाखों लोग सड़कों पर खड़े हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा में दिख गया, ये देश के लिए संघर्ष करने के लिए, राहुल जी से मोहब्बत करने के लिए राहुल जी के संघर्ष के साथ खड़े हैं। खबर अमरोहा से है, जहां आजमपुर के 250 किसान परिवार घर से बेघर होने पर मजबूर हैं। 45 साल से खेती कर रहे किसानों की जमीन चकबंदी विभाग ने 2015 में बिना मीटिंग बिना सूचना के खारिज कर दी। 90 हेक्टेयर जमीन, जिसमें 35 हेक्टेयर लगभग 550 बीघा जमीन ऐसी है जो 250 किसान परिवारों का काल बन सकती है। ये वो परिवार है जिनके पास इसके अलावा गुजर बसर करने के लिए कोई और जरिया नहीं है। मामले को लेकर जिला चकबंदी अधिकारी ने मौके का मुआयना किया और स्वीकार किया कि यहां पर खेती हो रही है और झील नहीं है। जिला चकबंदी अधिकारी ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही किसानों की समस्या का समाधान किया जाएगा। ये चकबंदी का मामला था, जो झील में जमीन लोगों ने निकाल दी थी चकबंदी विभाग वालों ने, उसके लिए मीटिंग हुई थी, तो आज ही मौका मुआयना कराया इनका। तो ये कह रहे हैं कि मैं आश्वासन देता हूँ, बहुत पक्की जो कि मतलब तुम्हारी जमीन जितनी है सबको पूरी मिल जाएगी। उन्होंने ये कहा आपकी जमीन वापसी मिलेंगी, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर ये जमीनें नहीं मिली हमें तो हम अपने आत्महत्या कर लेंगे, अपने बच्चों को मार लेंगे और केस सरकार पर घेरेंगे हम। अगर हमारा हक हमें नहीं मिला तो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, कहाँ जाएंगे हम? क्या सरकार हमें खानों दे देगी? खानों दे देगी क्या? दे देगी? मजदूर आदमी हैं हम, हमारे पास कुछ नहीं है। अगर मजदूरी करेंगे तो खाएंगे, थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं, इनमें गुजारा है, इनमें गुजारा भी क्या हो रहा है बच्चों का। आपने अमिताभ बच्चन की एक फिल्म में डायलॉग तो जरूर सुना होगा कि मूछे हो तो नथुलाल जैसी। जी हाँ, कहते हैं कि मूछे शान होती हैं, मूछे मर्दानगी की निशानी होती हैं, मूछों को रखना कई पुरुष अपनी शान समझते हैं। हमारे समाज में मूछ की अहमियत इस बात से समझिए कि जब हम किसी को चैलेंज देते हैं तो अपनी मूछों पर ताव देते हैं। वही उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक दरोगा की मूछ देखकर SP इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इनाम का ऐलान तक कर डाला। मामला लखीमपुर खीरी के कार्यालय का है, जहां पर एक दरोगा से ASP गणेश प्रसाद साहब मिलने उनके कार्यालय में आए। सब इंस्पेक्टर लाल सिंह की लंबी लंबी मूछे देखकर काफी प्रभावित हुए। SP गणेश प्रसाद साहब ने इंस्पेक्टर लाल सिंह की मूछ देखकर उन्हें 500 रुपए का ऐलान कर दिया। साहब के पास में गए, साहब ने टर्न आउट और मूछों को देख करके 500 रुपए देने के लिए, इनाम देने के लिए कहा। मूछों को सब तेल वगैरह लगाते हैं सब। अमरोहा के रजबपुर में एक मजदूर की हाई टेंशन लाइन के तार से उतरे करंट की चपेट में आने से झुलस गया। हालांकि लोग उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के वक्त मजदूर पानी के ट्यूबवेल को लगाने का काम कर रहा था। इसी दौरान ट्यूबवेल का लोहे का पाइप ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्टेज की विद्युत लाइन से टच हो गया। मृतक मजदूर बिहार का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मॉर्चरी में रखवा दिया है। कितनी उम्र है इनकी? 18। कहाँ के रहने वाले हो आप? बिहार। अच्छा, कहाँ पर काम कर रहे थे? शकरपुर में। तो क्या हुआ, इन्हें कैसे पकड़ा बिजली ने? इसे मशीन निकाल रहा था, तार उठा कर रखा था, तार गिर गया मशीन। कितने ऊपर खंभे से किस चीज का तार था वो? नहीं, नीचे लटका था ना, तो पकड़ को ऊपर रखा था, हवा आया, गिर गया। नहीं, किस चीज का तार था? 11,000।
सोनभद्र में प्रादेशिक तीरंदाजी और प्राइम जनी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका राज्यसभा सांसद राम सकल और डीएम चंद्र विजय सिंह ने दीप प्रज्वलन कर और गुब्बारे को आसमान में छोड़कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने संबोधन में कहा कि ये जनपद सोनभद्र के बहुत सौभाग्य की बात है कि 2 साल के अंदर ही दूसरी बार प्रादेशिक तीरंदाजी और प्राइज मनी प्रतियोगिता का आयोजन जनपद के विशिष्ट स्टेडियम तियारा में हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 32 जिलों के प्रतिभाशाली खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में 310 प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें 74 महिलाएं भी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चंदौली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चंदौली में पुलिस ने 25,000 का इनामी अपराधी तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। सविलान स्वाट और इलिया पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई कर अपराधी को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया अपराधी बिहार कैमूर का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस को चेकिंग के दौरान इलिया थाना क्षेत्र के खखड़ा नहर पुलिया के पास ये सफलता हाथ लगी। आज सर्विलांस सेल स्वाट टीम तथा थाना एरिया की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी मक्खू यादव उर्फ धर्मेंद्र यादव, जो कैमूर भभुआ का निवासी है, उसको 315 बोर के एक अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार। चंदौली के सब्जी पोखरे के पास सोमवार को रेलवे लाइन पर एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि 36 वर्षीय गोविंद की पत्नी और 3 बच्चों के साथ किराए के मकान में रहकर शक्तिनगर में स्थित बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी परिसर में 2 कर्मचारियों ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों केरल राज्य के निवासी बताए जा रहे हैं, जिसमें एक कर्मचारी इंडियन कॉफी हाउस में तैनात था, वहीं दूसरा कर्मचारी आईसीएच का एनटीपीसी में खान पान के ठेके का काम देखता था। घटना की जानकारी होते ही पूरे एनटीपीसी परिसर में और आरसीएच के कर्मचारियों में सनसनी फैल गई। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची शक्तिनगर पुलिस ने दोनों शवों को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।